हेलो दोस्तों, मैं हूँ रेणुका डोरा और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी पाम्पलेट मछली। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनती है, इसको चंदुआ भी बोलते हैं। इस तरह से ये मछली देखने को मिलेगा आपको, पाम्पलेट नाम है इसका। और इसमें एक ही बीच में कांटा रहता है, कांटा आराम से खाते वक्त आराम से आप निकाल सकते हो। तो इसमें चारों तरफ से उतना कांटा नहीं रहता है, बहुत ही कम कांटा और बीच में ही कांटा रहता है इसका। तो सबसे पहले इसको अच्छी तरह से वाश कर लेंगे और इसमें हल्दी और नमक डाल के इसको हम आधे घंटे के लिए मिला के रख देंगे। तो देखिए, हल्दी और नमक डाल के इसको अच्छी तरह से हम हाथ की सहायता से अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें कुछ ज़्यादा मसाला नहीं पड़ता है, बहुत आसानी से ये, इसका अलग से अपना एक टेस्ट रहता है, बहुत ही टेस्टी मछली रहती है ये पाम्पलेट मछली। और बहुत ही महंगा भी मिलता है ये मार्केट में, हर मछली से ज़्यादा सब महंगा मिलता है ये मछली। और इसका जो इसका बदन जो इसकी सेल है, एकदम चिकना चिकना जैसा देखने को भी है ये। और बीच से इसका हम इस तरह से चीरा कर देंगे। अगर मछली कटवा के लाते हो तो आप उसे ही बोल देना कि बीच से चीरा लगा देने, ताकि इसमें अच्छी तरह से मसाला जा सके। तो चलिए, अब इसको आधा घंटा रेस्ट करने रख देंगे। अब हम तेल गरम करेंगे, सरसों तेल। आधा घंटे के बाद हम सरसों तेल को गरम कर लेंगे और इसमें जो मछली हल्दी नमक डाल के रखी थी इसको डाल के हम फ्राई करेंगे। तो इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है मछली को, बहुत ही कम फ्राई करना है, ज़्यादा लाल नहीं करना है। तो देखिए, इसको हम थोड़ा सा पलट देंगे और ये चिपक भी नहीं रही है, बहुत आसानी से ये फ्राई हो जाएगी। तो ये मछली फ्राई हो गई है, मैं बोली जैसे कि ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है, बस इतने ही फ्राई करना है। तो मछली फ्राई हो गई है, अब हम इसको निकाल देंगे। आप इसको हम इसको ऐसे भी फ्राई खा सकते हैं। तो सारा मछली को हम इसी तरह फ्राई करके निकाल देंगे। मसाला के लिए हम पोस्तू लेंगे, इसको खसखस भी बोलते हैं, और लहसुन है, प्याज आधा टुकड़ा प्याज ली हूँ, और मिर्चा अपने झाल के अनुसार, और इसमें जीरा एक चम्मच डाल दी हूँ, और एक कलियाँ पूरा लहसुन की है। तो सबको हम पीस लेंगे और उसी तेल में हम प्याज को डालेंगे। और ये प्याज मैं यहाँ पे डेढ़ प्याज ली हूँ, और आधा प्याज को तो मैं पीस ली थी, और यहाँ पे एक और हाफ प्याज है। दोनों को काट के, बारीक काट के इसको हम फ्राई कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए, जब तक फ्राई हो रहा है मेरा चावल बन के रेडी है, गरम गरम चावल। चावल, मछली और हम रसम भी बनाएंगे। तो बढ़िया सा एक चावल बन गया है। चलिए देखते हैं, प्याज फ्राई हो चुका है, देखिए। अब यहाँ पे हम जो मसाला पीस के रखे थे, अब उसको हम डाल देंगे। तो मसाला को हमको फ्राई करना है अच्छी तरह से। तो ये मसाला भून रहा है, अब यहाँ पे हम टमाटर डालेंगे, और टमाटर यहाँ मैं दो ली हूँ, और इसको भी मसाले के साथ में भून लूँगी। अब यहाँ पे हल्दी डालूँगी और नमक डालूँगी। नमक डालने से टमाटर जल्दी गलेगा, तो यहाँ नमक भी डाल दी हूँ, और इसको भूनते भूनते, इसको हम अच्छी तरह से भूनते भूनते टमाटर भी गला देंगे। अब यहाँ कश्मीरी मिर्च ऐड कर रही हूँ कलर के लिए, क्योंकि मैं तो मिर्चा इसमें पीसी हूँ। तो आप अगर लाल मिर्ची पाउडर खाते हो तो आप डाल सकते हैं। तो देखिए, बस इतने ही मसाला पड़ेगा इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं। अब इसको अच्छी तरह से खाली भुनना है, भुनना बहुत ज़रूरी है, अच्छी तरह से इसको हम भून लेंगे। आप चाहे तो थोड़ा सा एक चम्मच सरसों भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर मैं बिना सरसों का बना रही हूँ। बहुत ही अच्छा, यम्मी और टेस्टी, अलग सा स्वाद आता है इसमें। तो देखिए, अच्छी तरह से भून चुकी हूँ मैं इसमें। अभी इसमें हम पानी डालेंगे, और पानी हो सके तो आप बॉयल पानी ही डालिएगा, गर्म पानी। अब इसमें हम पानी डालेंगे,
आपको कितनी ग्रेवी चाहिए पर उतना हम इसमें पानी डालेंगे। ज़्यादा ग्रेवी इसमें अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए इसमें डाल दिए और इस वक्त आप नमक चेक कर सकते हो कि नमक सही है कि नहीं। अब इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे ढक्कन लगा के। जब तक ये बॉयल होता है तो चलिए हम थोड़ा गार्डन आपको दिखा देते हैं। और तो देखिए बहुत सुंदर सा गार्डन है। यहाँ करिया पत्ता का ही गाछ है, ये करी पत्ता जिसको बोलते हैं, सांभर चटनी सब में डालते हैं, इसको यूज करते हैं। इतना बड़ा गाछ है हमारे घर पे करी पत्ता का, और उसके नीचे में छोटे छोटे गाछ भी हुए हैं करी पत्ता का, आप देख सकते हैं। बरसात के सीज़न में बहुत होता है ये पत्ता। और उसके जस्ट बगल में मुनगा का गाछ है, मुनगा यानी सजना, रमिष्टिक इसमें होते हैं। तो देखिए इस तरह से मुनगा का पत्ता भी है। और उसके नीचे जस्ट उसके नीचे पे कच्चू के पत्ते हैं ये। तो कैसे लगा आपको मेरा ये छोटा सा बगान? तो चलिए बॉयल हो चुका है ये ग्रेवी। अब इसमें हम मछली डालने की बारी है। अब इसमें हम मछली डाल देंगे, आराम से धीरे धीरे सारे मछली को इसमें ऐड कर लेंगे। और इसको सारे मछली को डाल के इसे भी हम 5 मिनट के लिए पकने के लिए देंगे, ताकि इसकी जितनी भी ग्रेवी है सारे मछली में आ जाए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चैनल पर न्यू हो तो बेल आइकन के साथ प्रेस करना, ताकि न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहे, जो भी मैं वीडियो डालूँ आप तक पहुँच जाए। और मैं इसी तरह से आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेकर आऊँ। तो देखिए इसमें हम आराम से सारे मछली डाल दिए हैं। अब इसको 5 मिनट के लिए इसी पानी में इसको हम तैरने के लिए छोड़ देंगे, यानी पकने के लिए। तो ये देखिए मछली पक रहे हैं और इसके कलर भी कितना मस्त आया है। तो ये मछली बन के रेडी है, पक गया है। अब इसमें हम बारीक कटे हुए धनिया पत्ता डालेंगे। धनिया पत्ता से मछली का स्वाद और बढ़ जाता है, तो हम इसमें धनिया पत्ता ज़रूर डालेंगे। तो कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लग रहा ना मछली? अगर अच्छा लग रहा है तो अब ज़रूर मेरे कमेंट्स में अच्छा अच्छा कमेंट देना। तो चलिए इसको हम सर्विंग बाउल में डालते हैं। तो देखिए सर्विंग बाउल है और इसमें हम धीरे धीरे सारी मछलियों को डाल देंगे। और जब भी खाना है तो इसको गरम गरम कीजिए और खाइए। तो लग रहा है ना दोस्तों कितना बढ़िया, कितना अच्छा मछली। और इसको अगर जब इतने अच्छे दिखने में लग रहे हैं तो खाने में कितने टेस्टी लगेंगे। तो आप खाओ गर्मा गर्म चावल के साथ, इसे इंजॉय करो। मैं चली इसको इंजॉय करने के लिए, इसको गर्म गर्म चावल के साथ खाने के लिए। तो रेसिपी अगर अच्छा लगा तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक न्यू रेसिपी के साथ में, एक अच्छी वाली। और आपको क्या डिश चाहिए, आपको क्या खाना अच्छा लगता है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि मुझे इस तरह से ये वाला डिश बना के दें। तो मैं कोशिश करूँगी आपके लिए वो डिश बनाने का। तो बस देखिए इसी तरह से सारे ग्रेवी हम इसमें डाल देते हैं और इसके ऊपर में फिर से हम धनिया पत्ता डाल के इसको सजा देते हैं। और ये बन के रेडी है एकदम स्वादिष्ट मछली, पाम्पलेट मछली। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय दोस्तों।